हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि अपने पार्टनर को कैसे तड़पाएं। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी आपको कोई ऐसी सोच नहीं थी, आपको कोई इच्छा नहीं थी, तो आपके पार्टनर को तड़पाने के कुछ मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ। इंडिया में ऐसी एक कहावत है कि गाना बजाना, यानी कि आपको ये जो चीज़ है वो इमीजिएटली स्टॉप करनी होगी। गाना बजाना इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, ऐसी माफ़ी मांगनी पड़ती है, बार बार प्यार की भीख मांगनी पड़ती है। तो ये जो आपकी तरकीब है वो काम नहीं कर रही, इसकी वजह से ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तीन ऐसे तरीके मैं बताऊंगा जिसके बदौलत ये जो गाना बजाना बार बार आप बजा रहे वो बंद करने में आसानी होगी और आपका पार्टनर आपकी याद में तड़पेगा। तीन में से जो सबसे पहला तरीका है वो है, आपको ज़्यादा आप खुश है ऐसा दिखाना है। वो चाहे व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर भी आप ऐसे स्टेटस रख सकते हैं अच्छे अच्छे कि अकेले ही खुश है। आप कहीं पे घूमने जा सकते हैं अपने यार दोस्तों के साथ लंच डिनर के लिए, उसके फ़ोटोज़ आप अपलोड कर सकते हैं। सामने वाले को ऐसा दिखाना है कि आप अकेले और ज़्यादा खुश है, आपको किसी की कोई परवाह नहीं, आपको किसी की कोई आवश्यकता नहीं है रिश्ते में खुश रहने के लिए, आप अकेले ही बहुत ही खुश हैं। ऐसा करने से होगा क्या, आपका पार्टनर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो समझता है कि मेरे बिना वो खुश कैसे रह पाएंगे, लेकिन आप खुश हैं तो उनकी सोच से उल्टा हो रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं वो तड़प आएगी। दूसरा जो तरीका है, दूसरी मेथड है, वो है आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा कारगर होगा जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं और वो अपने साथी को तड़पाना चाहते हैं। जब भी वीडियो कॉल हो, चैटिंग हो, व्हाट्सअप, फेसबुक पे कुछ भी हो, जब भी सोशल मीडिया के थ्रू बात हो, तब आपको ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखाने, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, अपने बातचीत को एकदम लाइट रखना है। अगर आप ज़्यादा भावुक हो जाते तो इसे लोग आपकी कमजोरी बना देंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आपको उनकी बातों को लाइटली लेना है। अगर ऐसा करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि ये मेरी बातें इतनी लाइटली कैसे ले रहा है, मेरी बात को इतना सीरियसली क्यों नहीं सुन रहा, क्यों इसका रिस्पांस नहीं दे रहा है। तो ये मेथड भी बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। नंबर तीन पे जो तरीका मेथड है वो है, आप अपने पार्टनर को इजीली अवेलेबल कुछ भी मत दो। यानी कि फ़ोन कॉल हो, चैटिंग हो, कुछ भी हो, आपको अपना टाइम स्पेंड करना हो, लेकिन आप इजीली उनको टाइम मत दो। जब भी वो कहे कि बात करनी है तो आप कहो एक घंटे दो घंटे बाद, या तो फिर शाम को रात को हम आराम से करेंगे। ऐसी एक तड़पन आपको पैदा करनी होगी। अगर आप ऐसा बार बार करते हैं, जब भी वो मिलने बुलाते हैं तो आप देरी से जाते हैं, आराम से दो तीन घंटे बाद का बोलते हैं, तुरंत आप अवेलेबल नहीं होते, तो उनके दिमाग में एक ख्याल आएगा कि किसी और के साथ शायद रिलेशनशिप में हो, किसी और को टाइम दे रहा हो वीडियो कॉल या तो फिर चैट कर रहा हो। तो ये जो चिंता है वो उनके दिमाग में घूमने लगेगी और कहीं ना कहीं ऐसे कई सवाल उनके दिमाग में चलते रहेंगे कि वो किसी और के साथ तो नहीं। यही तो हम चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी याद में तड़पे और वो सोचे कि आप उनके लिए कितने वैल्यूएबल हैं। तो इजीली कोई भी चीज़ अगर आपने दे दी या तो फिर अवेलेबल करवा दी तो आपकी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी, आपकी वो तड़पन है वो बनेगी नहीं। तो ये तीनों तरीके बहुत ही खास है। वो चाहे सबसे पहला वो हैप्पीनेस दिखाना हो, दूसरा जो था ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, और तीसरी जो बात थी इजीली कुछ भी आपको अवेलेबल नहीं करवाना है। ये तीनों तरीके बहुत ही कारगर है अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड तड़पे। तो तीन में से कौन सा तरीका आपको बेहद ही खास लगा मुझे कमेंट में बताइए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GABF रांझा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे फटाफट कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।